हज़रत, ये आता है कुरान पाक में कि हाफिज़ु अला सलावाती व सलातिल वुस्ता, तो यहाँ पे फिर ये सवाल आता है कि ये बीच की नमाज को क्यों सिंगल आउट किया, कि इसकी इसको क्यों इतना ताकीदन कहा। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। इसको अच्छा सवाल है, बिल्कुल। असल में एक तो ये कॉमन कह दिया कि सारी नमाजों की मुहाफजत करो, अपने अपने वक्त पे अदा करो, फिर सलात वुस्ता की हिफाजत करो खास तौर पे। इसका मतलब है कि सलात वुस्ता हालांकि पहले आ चुकी है लेकिन उसको अलग जिक्र किया है, तख़सीस बाद तामीम यानी अलग भी जिक्र के, इसका मतलब उसमें कोई खसूसियत है। बिल्कुल। और सलात वुस्ता से मुराद असर की नमाज है यानी दरमियानी नमाज। पांच नमाजें हैं, दो एक तरफ, बीच में नमाज असर की, तो जोर और फजर एक तरफ, मगरिब ईशा एक तरफ, बीच में, तो सलात वुस्ता असर की नमाज मुराद है। तो असर की ताकीद इसलिए फरमाई, असल में असर की नमाज के वक्त में फरिश्ते की तब्दीलियां होती हैं, क्योंकि फरिश्ते जो आए होते हैं फजर के वक्त में वो असर तक ठहरते हैं, असर तक ठहरते हैं और असर तक ठहर के वो फिर रिपोर्ट लेकर जाते हैं ऊपर। बिल्कुल। फिर जब वो दूसरे नए फरिश्ते आ जाते हैं तो गोया कि असर के वक्त चूंकि ड्यूटियां बदलती हैं, इसलिए अल्लाह ने खास तौर पे असर के वक्त की ताकीद फरमा दी, क्योंकि इस वक्त फरिश्तों की जो ड्यूटियां बदल रही हैं, तो आने वाले फरिश्ते आए तो तुम्हें नमाज में देखें कि यार देखो असर की नमाज में खड़ा है, और जब ये फजर के वक्त जाए तो तुझे नमाज में देखें। बिल्कुल। है? और ये आने वाले देख, तो गोया कि ये जो असर के वक्त में जो ड्यूटियां बदली, तो आने वाले जाने वाले आपको हर वक्त नमाज में देखते हैं कि जी हम गए थे तो नमाज में थे, हम आए तो नमाज में हैं। तो गोया कि सलात वुस्ता इतनी अहमियत की हामिल है कि उस वक्त में चूंकि फरिश्तों की गवाही की जरूरत पेश आती है, और अल्लाह भी इन फरिश्तों को असल में इंसान की जो मर्तबत बुलंद मर्तबत दिखाना चाहते हैं कि जिन फरिश्तों ने एतराज किया था ये खूनरेजियां करेंगे, तो अल्लाह कहते हैं इंसानों तो उस नमाज का खास एहतमाम करो, उसमें फरिश्ते आते हैं, तो मैं चाहके मुशाहदाती दलील दिखा के उन पर फख्र करूं जिनके बारे में तुम ये तो मत लगाते थे, तुम गए थे तो नमाज में थे और तुम आए हो तो नमाज में है। सुभान अल्लाह। इसलिए ताकीद की उस नमाज की कि उस नमाज की खास तौर पर जो अहमियत है। अच्छा, इससे बाकी मजीद मजामीन भी है तो वो अपनी जगह पर। सबसे अहम ये है, अहम नुकता।